हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैगी मसाला रेसिपी बनाना बता रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने ये मैगी लिए सिंपल वाला, जो छोटे वाले पैकेट आते हैं उन्हें दो लिया है। इसे आप इस तरह से तोड़ लीजिए। अगर आपको ज़्यादा छोटे पसंद है तो आप ज़्यादा छोटे भी तोड़ सकते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, जो मैगी के साथ में मसाला आया है मैं उसे डाल रही हूँ इसके अंदर। दो मैगी के पैकेट लिए मैंने, आप दोनों पाउच इसके अंदर डाल दीजिए। इसी मसाले के अंदर मैं बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, इसी में टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक, क्योंकि मसाले में भी नमक रहता है। इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब, जितने में हमारा मसाला अच्छे से घुल जाए। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे भी आप 10 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। मैंने गैस पे एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है। इसके अंदर मैं 1.5 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्ची थोड़े से बड़े पीस में कटी हुई डाल रही हूँ। हरी मिर्ची का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। 2 प्याज बारीक कटे हुए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गैस को मैं मीडियम कर रही हूँ। प्याज को करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है। इसी के अंदर ये मैं आलू डाल रही हूँ। आलू को बिल्कुल मैंने छोटा छोटा सा काटा है और अच्छे से धो लिया है। इसके साथ में इसे मिक्स कर दीजिए। गैस को मैंने अभी मीडियम ही रखा है। मुझे आलू को करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं आलू। इसी के अंदर 1 शिमला मिर्ची बिल्कुल बारीक कटी हुई, आप चाहें तो इसमें मटर डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न भुट्टे जो आते हैं उन्हें डाल सकते हैं। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। शिमला मिर्ची को करते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, इन्हें मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। इसे टमाटर डालने के बाद गैस को आप तेज कर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सब्जी आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है बीन्स डाल सकते हैं। 1 मिनट हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। जो हमने मसाला ये घोल के तैयार करा था इसे आप इसमें डाल दीजिए। फिर इसके साथ में मिक्स कर दीजिए। गैस को मैंने अभी तेज रखा है। मसाला भी अच्छे से भून चुका है, साइड से पूरा तेल आ रहा है। जो मेजर कप रहता है उससे मैं 2 कप इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। 2 कप पूरा पानी मैंने डाल दिया है। इसे आप अच्छे से उबाल लीजिए। पानी के अंदर अच्छे से उबाली आ गई। जो मैगी को हमने तोड़ के रखा था इसे आप इसके अंदर पूरा डाल दीजिए। इसे हम हल्के से दबा देंगे। गैस को मैं कम कर रही हूँ। मैगी डालने के बाद इसके अंदर उबाली आने लगी है और मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ। इसे हम 2 मिनट तक रखेंगे। मुझे ऐसे करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। गैस को मैंने तेज कर दिया है। बढ़िया हो गई हमारी, ना ही इसमें पानी कम है ना ही ज़्यादा है। बस 1 मिनट और इसे हम करेंगे। तेज गैस पे आपको इसे 1 मिनट करना है। मुझे इसे करते हुए 1 मिनट हो चुका है। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। बिल्कुल बढ़िया, अलग अलग है, बिल्कुल एकदम गर्म है। थोड़ी सी ठंडे होने के बाद और थोड़ी सी गाढ़ी होगी, इसलिए बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर मैंने पानी रहने दिया है। देखिए मेरी मैगी बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप इस तरह से खिलाएंगे तो सारी सब्जियां भी बच्चों के पेट में चली जाएगी, क्योंकि बच्चियां सब्जी खाने में नखरा करते हैं। जो सब्जी आपको पसंद है वो सब्जी डाल के आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।